नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर ग्रेटर नोएडा से है। किसान बिल अधिनियम के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान अधिनियम बिल को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि किसान अधिनियम बिल किसानों के हित में है, वहीं किसान इसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों से किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का प्रयास कर, वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर से भी भारी संख्या में किसान ग्रेटर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं ग्रेटर नोएडा से प्राइम न्यूज 24 चीफ देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ज्यादा हटने की मांग की है और गुराड़ी चलने के लिए बोला है। किसानों से किसानों ने इनकार कर दिया है, गुराड़ी नहीं जाना है और उनको बोला है कि जीरो पॉइंट पीछे हट जाइए तो किसान पीछे हटेंगे, एग्री नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन बनती है, क्या किसान दिल्ली बंद कर पाएंगे या फिर किसान को पीछे हटाएगा। बात करते हैं क्या है और उनको पुलिस प्रशासन रोक दिया है। राष्ट्रीय प्रमुख हम जानने की कोशिश करते हैं क्या जब 50 बैरिकेडिंग हरियाणा टूट दी है, पंजाब वाले ने टूट दी, ये क्या है। लेकिन हम घुसेंगे जब जब हमारा निश्चित निशान देगी जहाँ हमें जाना है, उससे पहले हम नहीं घुसेंगे। अभी हम बॉर्डर सील कर रहे हैं और जब घुसेंगे चारों तरफ से एक साथ घुसेंगे। क्या बताया मैंने आपको, किन नावों को लेकर आप यहां पहुंचे हो सर? वो तो काले मांग मिथ्या, देखो एक बात बॉर्डर पे है, इनके काले कानून ने सारे ये कदम कर दिए। हमें क्या दिक्कत है यहां ठंड में बैठने? तो यहां का देखो किसानों को रोका जाए, भारत के जारी हुए कानून जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के जारी हुए कानून जिंदाबाद। हम आपको फील कर रहे हैं और ना है कोई क्या नहीं है, जैसे ही जब जाएंगे बिल्कुल। ये किसान नेता महत्व कहना है और आइए बात करते हैं।